आवाज मेरी आ रही होगी पीछे तक, माइक की वजह से डिस्टरबेंस हो रही है तो माइक बंद कर दो। आपके बालक की आवाज ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। मैं ईमानदारी से कहूँ, मैंने बहुत जगह बहुत भाषण दिए, बहुत बोला, मेरे अपने गांव में मेरे शब्द नहीं निकल रहे। मेरे गांव ने मेरा इतना साथ दिया हर कदम पे। मेरी औकात थी, बीच में टिकट लिया था, मेरी पार्टी ने, मेरे गांव ने मेरी हर कदम से हिम्मत बढ़ाई है। मेरे गांव के हर आदमी ने मेरा सहयोग किया है। मैं जिंदगी भर इस बात का ताउम्र एहसान मानूंगा। जो मेरे गांव ने मेरे लिए खड़ा है, मैं उसको जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग ऐसे ही मेरे लिए बनाए रखे। मेरे परिवार में से मेरे चाचा ने पहले कोशिश करी, पूरे गांव ने उनको समर्थन दिया। आज मेरा चाचा होता, आज वो बहुत ज़्यादा खुश होता। मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं था। मैं अपनी नौकरी सब छोड़ के सिर्फ उसका सपना पूरा करने के लिए लगा। मैं आप लोगों से उसके नाम पे आप लोगों से कह रहा हूँ, एक मौका दे के देखो, गांव की कहीं पर भी बात छोटी नहीं होने दूंगा। मेरे पास शब्द नहीं है और मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे थोड़ा सा डाउट हो गया। बैठे हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप सभी लोग जैसे बन पाए, जैसे हो सहयोग दे, पूरा गांव मुझे आशीर्वाद देगा, मुझे पता है, मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। आप सभी साथी, 4 तारीख तक सिर्फ 20 दिन की बात है, जितने मेरे गांव के बड़े मेरे साथ खेले हुए, मेरे से कभी कोई गलती हुई हो, बचपन में कोई बात हो, कोई किसी बात को मन पे ना ले, मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। आप लोग प्लीज एक बार मुझे गांव का नाम आगे करने का मौका दे। मैं गांव की बात कभी जिंदगी में छोटी नहीं होने दूंगा। बहुत 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 धन्यवाद। ये सादर से भरे हुए शब्द, आदर से भरे हुए शब्द। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली सेंट्रल। जो पुराने वाले चल रहे हैं, लाड़ोसराय वार्ड से राजीव चौधरी को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है और राजीव चौधरी ने आज गांव कटवारिया सराय में अपने गांव में एक पंचायत का आयोजन किया और गांव की जनता से समर्थन की मांग की। तो इसी विषय में हम आए हैं राजीव जी के पास, आइए हम उनसे बात कराते हैं और कुछ मुद्दों पर जो कि कटवारिया सराय के बहुत ज्वलंत मुद्दे हम इनको कह सकते हैं ये हैं और जरूरतें गांव की हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तो राजीव जी आपका स्वागत है। धन्यवाद नाम भाई। तो राजीव जी, आम आदमी पार्टी ने आपके अंदर विश्वास जताया है इस सीट पर, तो आप कटवारिया सराय की जनता से और अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं और ये पार्टी ने विश्वास जो है मेरे ऊपर नहीं जताया। ये जो हमारे गांव गुआंड में जो तीनों गांव पड़ते हैं, हमारा गांव कटवारिया सराय, हमारा गांव लाडू सराय, हमारा गांव भेड़ सराय, वो तीनों गांव की जीत है और इन तीनों गांव में कोई फर्क नहीं है। कटवारिया सराय अगर मेरी माँ है तो लाडू सराय मेरी मौसी है, तो ये तीनों गांव के लिए है। और मैं मेरे को जितना प्यार अपने गाँव से मिल रहा है, उतना ही प्यार मुझे बाकी दोनों गाँव से मिल रहा है, बाकी क्षेत्र से मिल रहा है। मैं अपने गाँव का, दोनों गाँव का जिंदगी भर आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। देखिए, पिछले 5 वर्ष यहाँ आम आदमी पार्टी का ही निगम पार्षद रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा गैप उन्होंने छोड़ दिया है जो लोगों के मन में शायद दरार उत्पन्न करता है इस क्षेत्र के लोगों के मन में, तो आप उस गैप को कैसे भरेंगे? देखिए, पिछली बार का जो चुनाव था उसमें आपको मालूम है सरकार जो है एमसीडी में वो बीजेपी की थी, तो हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद भी हमको वो समर्थन केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा था। तमाम अटकलें लगाई गई, जो बीजेपी जो सत्ता में थी एमसीडी में उनकी तरफ से बहुत मुश्किलें आई, उसके बावजूद जितना बन पाया पार्षद जो यहाँ पर मौजूदा थी उन्होंने किया। अगर कुछ कमी रह गई होगी, कुछ चीजें छूट गई होंगी, तो मैं अपनी छोली फैला के अपने गाँव से निवेदन कर रहा हूँ, हम उन सब चीजों को ठीक करेंगे। कुछ भी अगर छूट गया है आप लोगों के विचार से, जो भी चीज आप मेरे संज्ञान में लाएंगे उसको हम दुरुस्त कराएंगे। अच्छा, देखिए, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा गांव कटवारिया सराय का जो आपकी नजर में भी है, शायद अभी 2 दिन पहले दैनिक जागरण इस विषय को उठाया गया,
गांव में डिस्पेंसरी की बड़ी भारी समस्या, देश आजाद हुए 75 वर्ष बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन इस गांव में आज तक किसी ने डिस्पेंसरी नहीं दी। आपकी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार चला रही है, दिल्ली सरकार में है और निगम पार्षद आपके यहाँ पर थे, लाड़ो सराय में दो आम आदमी पार्टी ने डिस्पेंसरी बनाई आपकी मोहल्ला क्लिनिक, बेसराय में भी मोहल्ला क्लिनिक है, तो ये जो सोतेला व्यवहार कटवारिया सराय के साथ किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं और इसके भविष्य में इस विषय में क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई सुनील का की प्रशंसा करूंगा, उन्होंने बहुत ही सराहनीय एक प्रयास किया है गाँव के लिए, जो स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक मांग की गई है। मैं यहाँ आपके सामने ये आश्वासन दे रहा हूँ कि चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही पार्टी और लोगों की द्वारा मुझ पर विश्वास जताया जाता है, 6 महीने के अंदर अंदर गाँव के अंदर हम कोई भी स्वास्थ्य केंद्र, चाहे वो डिस्पेंसरी के रूप में हो चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हो, हम लोग उसको स्थापित करेंगे। अच्छा, एक और मुद्दा मेरी नजर में है, हमारे गांव में शहीद हुए शहीद जीत सिंह जी, उनको लेकर, उनकी एक स्मारक को लेकर यहां पर पिछले दिनों एक स्थापना की गई जी, जिसमें आपके आम आदमी पार्टी के विधायक का नाम आया कि उन्होंने इसका विरोध किया, उनके कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है और उसको रुकवा दिया जी जी। वास्तव में यह मामला पीडब्ल्यूडी और निगम के बीच का जी जी, तो पीडब्ल्यूडी को देखते हैं एमएलए साहब और निगम को देखते हैं निगम पार्षद, क्योंकि निगम पार्षद की पावर्स खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से सारा मामला एमएलए के पक्ष में चला जी, गया। जी, जी। तो इस विषय को आप कैसे देखते हैं, क्या स्मारक के विषय में आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्या स्मारक फिर से वहां स्थापित हो पाएगा? आपके देखिए अन्ना भाई, मेरी आपसे पहले भी आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी आपसे बात की थी, मैं इस बात में उस समय भी पूरी बात पे अड़िग था कि गांव के जो शहीद जिन्होंने हमारे गांव का इतना बड़ा नाम करा, उनके प्रति हमारा ये सम्मान बनता है कि हमको एक उचित स्थान देकर उनकी प्रतिमा स्थापित करें। ठीक है, मेरी विधायक जी से भी इस बारे में बात हुई, उनकी तरफ से ये बताया गया कि कुछ भ्रांतियां फैलाई गई कि उनकी तरफ से इसमें रुकावट है, ऐसा कुछ भी नहीं है और विधायक जी का भी आश्वासन है कि चुनाव जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद को प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम स्वास्थ्य का हमारा विषय हो गया, शिक्षा को अगर हम देखते हैं तो हमारे गांव में एक एमसीडी का स्कूल है। हमारे गांव में एक और समस्या है, कुछ कामगार महिलाएं भी हमारे यहां पर रहती हैं, वो सुबह जॉब पर जाती हैं शाम को आती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे कामगार महिलाओं के लिए क्या आपके नजर में कोई ऐसा विजन है कि यहाँ पर एक प्ले स्कूल दिल्ली सरकार या निगम की तरफ से आप कर पाएंगे? हन्ना भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गांव में आंगनवाड़ी चल रही है दिल्ली सरकार, नहीं आंगनवाड़ी चलती है लेकिन आंगनवाड़ी में आप समझते हैं कि लोग आज स्टैंडर्ड मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, नहीं अगर इसमें और इसको अगर आप समझ अगर देखो उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, उसको और उच्च स्तर पे लेके जाने की जरूरत है, तो हम जरूर इस बारे में विचार करेंगे और दिल्ली सरकार की तरफ से जो संभव मदद होगी वो करेंगे। देखिए, आपके क्षेत्र में कुसुमपुर पहाड़ी जी जी जी, तो कुसुमपुर पहाड़ी की एक बड़ी भारी समस्या है, उसके चारों तरफ से डीडीए ने दीवार कर दी है और वहां जो रास्ता है वसंत कुंज के लिए लोग वहां काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि कामगार लोग हैं, तो वसंत कुंज के लिए रास्ता वहां से ब्लॉक किया जा रहा है, एक ये बड़ी भारी समस्या। दूसरा, पिछले 5 वर्षों से आपके आम आदमी पार्टी के एमएलए ने वहां पे पाइपलाइन डलवा के छोड़ रही है लेकिन वहां नलकों में पानी नहीं है, तो कुसुमपुर पहाड़ी की समस्या को आप कैसे देखते हैं? हरनाम भाई, इसके बाद मेरी अगली मीटिंग कुसुमपुर गांव में ही है और वहां के लोगों जो मेरे बीच में समस्याएं रखेंगे, हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है पानी में जो पिछले 8 साल में सुधार हुआ है, जो स्थिति आज पानी की वहां पर है उससे पहले तो बहुत गहरी स्थिति थी। पानी का पाइप पिछले 5 वर्षों से है लेकिन टैंकर माफिया वहां पर, मैं वही कह रहा हूँ, उस पर भी जो लगाम कसने की जरूरत होगी वो जरूर करेंगे, उस पर जो लगाम कसने की जरूरत होगी अगर कोई ऐसा इस तरीके की शिकायत आती है तो उसको दुरुस्त करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की। तो दोस्तों, राजीव चौधरी की नजर लाड़ोसराय वार्ड की लगभग सभी समस्याओं पर है और गांव का जो समर्थन हमें देखने को मिलता है उससे ऐसा महसूस होता है कि राजीव चौधरी लाड़ोसराय की सीट को निकालने जा रहे हैं भविष्य में। बिल्कुल, मुझे लगता है हम ये देखेंगे कि राजीव चौधरी इस क्षेत्र से निगम पार्षद चुने जाएंगे और आम आदमी पार्टी में जो पकड़ उनकी दिखाई देती है उससे ऐसा लगता है कि भविष्य में आने वाले दिल्ली के महापौर राजीव चौधरी। बैठ जाऊंगा मैं हरनाम सिंह सनसनवाल, पटवारी दिल्ली क्राइम। नमस्कार।